आज ही नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम प्रश्नावली 13.5 का 8वां प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करो। ये आज का प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखो, सबसे पहले जो ठोस दिया हुआ वो घन, ठीक है, इस घन की भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर और घन का आयतन, अब घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, तो हम क्या करेंगे, भुजा कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, भुजा की जगह भुजा यानी 12 और 12 का घन लगा देंगे घात के रूप में 3, ठीक है। भुजा क्यूब है ना सूत्र, तो भुजा क्यूब भुजा की जगह लिखेंगे 12 और घात की जगह 3 लगा देंगे। अब 12 को कितनी बार, 3 बार खोल के गुणा करना, 12 × 12 × 12, 3 बार खोलना इसे और फिर 12 को 12 से गुणा किया 144, 144 को फिर 12 से गुणा किया तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारे पास में, घन का आयतन आ गया, ठीक है। अब घन का आयतन आने के बाद में क्या कह रहा हमको, बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटना इसको, ठीक है। अब 8 घन में काटना, इस जो आयतन आया है इस आयतन को हम क्या करेंगे, बराबर आयतन के रूप में 8 घन के रूप में काटना, ठीक है। तो 8 घन में काटा जाता है तो प्रत्येक घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1728 में हम 8 का भाग लगाया तो हमारे पास में आया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी 1728 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 8 का भाग लगा रहे हैं, तो प्रत्येक जो नया घन बना उस प्रत्येक नए घन का जो आयतन आया वो आयतन कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में नए घन का आयतन तो कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन नए घन की भुजा चाहिए, तो नए घन की भुजा बराबर क्या होगा, 3 रूट आयतन, यानी 3 की जगह 3, रूट की जगह रूट और आयतन की जगह हम लिखेंगे 216, यानी यहाँ 216 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। अब घनमूल निकालना जैसे, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 216 की, 216 में 2 का भाग लगाया तो कितना, 108 भाग, फिर 108 में 2 का भाग लगाया तो 54 भाग, फिर 54 में 2 का भाग लगाया तो 27 भाग, फिर 27 में 3 का भाग लगाया तो 9 भाग, और फिर 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 भाग, और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 भाग। इस तरह से हमारे पास में 2 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, और 3 भी कितनी बार आ गए, 3 बार आ गए, इनमें से एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, 1 2 को बाहर और यहां से हम 1 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब 3 को 2 से गुणा किया तो 3 × 6, इस तरह से हमारे पास में नए घन की भुजा क्या हो गई, नए घन की भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या है, पहला प्रश्न पूछा था इसे, देखो नए घन की भुजा क्या हो गई, नए घन की भुजा तो हो गई 6 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को साथ में ही वापस क्या पूछ रहा है, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछा है। तो पहले देखो पूर्व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हमने घन को काटा नहीं था उस समय पूर्व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में जो नया घन आया, नए घन की भुजा निकाली हमने, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे जब, कैसे लिखेंगे, पूर्व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां अपने को भुजा दो, एक तो 12 सेंटीमीटर हो गई और एक 6 सेंटीमीटर हो गई, 12 सेंटीमीटर तो पूर्व घन की और 6 सेंटीमीटर आपके नए घन की होगी, ठीक है ना। तो पूर्व घन की भुजा तो हम लिखेंगे 12 और नए घन की भुजा लिखेंगे हम 6, ठीक है। अब यहां सूत्र लिख दिया, पूर्व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर बटे हुए 6 भुजा स्क्वायर, सूत्र दोनों जगह बराबर बराबर यानी यही आएगा, लेकिन भुजा क्या होगी, दोनों जगह चेंज हो जाएगी। अब 6 की जगह तो 6, लेकिन भुजा पूर्व घन की कितनी है, 12 का वर्ग, इसी तरह से बटे हुए 6 की जगह तो ये 6 आ गया, लेकिन भुजा कितनी है, नए घन की भुजा 6, तो 6 का वर्ग कर दिया। अब घात को खोल दीजिए, बराबर 6 की जगह 6, ऊपर की तरफ देखो आप तो 6 की जगह तो ये 6 आ गया, लेकिन 12 2 बार है, 12 × 12
इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए इंटू का निशान यानी गुणा का निशान लगाना। तो 6 × 12 × 12 बटे हुए नीचे की तरफ भी आपके देखो 6 की जगह तो ये 6 आ गया, लेकिन इंटू 6 को कितनी बार, 2 बार खोलना है, तो 6 × 6। अब ये कटनी जिस तरह से कटनी में से इसको काट दीजिए, ठीक है, 6 × 12 × 12 बटे हुए 6 × 6 × 6। अब देखो ये 6 से तो ये 6 कट गया, एक बार 6 × 6 और ये 6 × 6, फिर वापस 6 × 6 और ये 6 × 12, फिर 6 × 6 ये 6 × 12। कटने के बाद अब आपके पास देखो ऊपर की तरफ 2 और ये 2 बच रही थी, 2 × 2 = 4, 4 × 4 बटे हुए नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो 4 / 1 हो गया। अब 4 / 1 को हम क्या करिए, अभी तो ये भिन्न के रूप में, लेकिन अपने को क्या पूछा, अनुपात बताना, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4 / 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे थे, एक तो नए घन की भुजा और दूसरा दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात भी पूछा, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना, अनुपात तो आ गया 4 / 1 है और नए घन की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अपने को करना क्या था भाई, हमारे को जो पहले वाला घन था जिसकी भुजा 12 दे रखी थी, इसका हमने आयतन निकाल दिया और इस आयतन से हमने क्या किया, इस आयतन को हमने 8 बराबर घन के आयतन में बांट दिया, तो 1728 में हमने 8 का भाग लगाया, तो हमारे पास में नए घन का जो आयतन आया 216 सेंटीमीटर क्यूब, नए घन का आयतन हो गया। और उसे नए घन के आयतन से हमने क्या निकाली, नए घन की भुजा निकाली, भुजा निकाली तो हमारे पास में ये 6 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद में अपने को क्या करना, दोनों घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात भी पूछा है, तो पूर्व घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्व घन था उसकी भुजा हमारे पास में कितनी थी, 12, और जो नया घन है उसकी भुजा कितनी थी, 6 थी। इस तरह से सूत्र में हमने मान रखा, मान रखने के बाद में हमारे पास में अनुपात आ गया 4 / 1, ठीक है। अब आपको क्या करना, इसी प्रश्न को एस डब्ल्यू जी कॉपी में हल करना, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद इस प्रश्न को बिना देखे एस डब्ल्यू की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सूत्रों को बराबर याद करते रहना, सूत्र जब तक याद नहीं है तब तक कोई सा भी प्रश्न है वह हमारे लिए कठिन ही होगा, इसलिए सूत्रों को भी बराबर याद करना है और जो एस डब्ल्यू दिया जा रहा है उसको भी बराबर एस डब्ल्यू की कॉपी में हल करना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।